जरा आप कल्पना कीजिए कि टॉप 10 टॉपर एक ही जाति के हों, एक ही कॉलेज के हों, एक ही इलाके के हों। ऐसा अब तक आपने फिल्मों में देखा होगा, मुन्ना भाई जैसी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ये हकीकत है और ये हकीकत सामने आई है मध्य प्रदेश से। त्यागी निवासी मुरैना, शिव कुमार शर्मा निवासी मुरैना, संजय शर्मा निवासी मुरैना, जितेंद्र शर्मा निवासी मुरैना, दीपक पीपल निवासी मुरैना। ये लिस्ट लंबी है, लेकिन क्या किसी परीक्षा की टॉप 10 लिस्ट के सभी टॉपर एक ही कॉलेज के छात्र हो सकते हैं, एक ही जाति विशेष के हो सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि वो एक खास इलाके के ही हो? लेकिन मामा शिवराज के मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही हुआ है। आरोप है कि मध्य प्रदेश पीईबी की कृषि विकास पदाधिकारी की परीक्षा के सभी 10 टॉपर एक ही कॉलेज के छात्र हैं, एक ही जाति विशेष के, एक खास इलाके चंबल के। इन्हें एक ही जैसे नंबर मिले हैं और इन्होंने गलतियां भी एक जैसी ही की है। जितने भी इसमें टॉपर छात्र आए हैं वो सभी एक क्षेत्र विशेष से हैं, उन सभी का अधिकतर लोगों का उपनाम एक है और ये छात्रों का जो एकेडमिक रिकॉर्ड जो बीएससी एग्रीकल्चर जो 4 वर्ष की होती है, इन सभी छात्रों ने जो 4 साल की अपनी बीएससी एग्रीकल्चर है उसको 5, 6 या उससे अधिक वर्षों में किया है। इससे पता चलता है कि ये सभी लोग पढ़ने में काफी कमजोर थे। इसके साथ ही ये सभी छात्र जिन्होंने अपने प्रश्न उत्तर जो प्रश्न गलत किए हैं उनका भी पैटर्न सेम है। 10 और 11 फरवरी को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कृषि विकास अधिकारी पद के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा का नतीजा 17 फरवरी को आया, लेकिन रिजल्ट के बाद छात्र सड़क पर उतरे, शिवराज मामा से इंसाफ मांगने लगे। इनका आरोप है कि कृषि विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए हुई परीक्षा में महाघोटाला हुआ है। सभी टॉपर एक क्षेत्र विशेष के क्यों हैं? अधिकतर लोग एक जाति विशेष से क्यों हैं? ब्लैक लिस्टेड कंपनी से परीक्षा आखिर आयोजित क्यों कराई गई? जो अंग्रेजी के जो प्रश्न इन्होंने गलत किए वो सभी टॉपरों ने एक जैसे गलत किए, गणित के जो प्रश्न गलत किए वो भी सभी टॉपरों ने एक जैसे गलत किए। तो हमारा व्यापम से सरकार से ये सवाल है कि इन सभी लोगों ने एक जैसे ही प्रश्न गलत क्यों किए? हंगामा शुरू हुआ, छात्र सड़कों पर उतरे तो शिवराज सरकार ने जांच के आदेश दिए। जो हमारे कृषि विस्तार अधिकारियों की जो भर्ती होनी है वो हमने पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से कराई है और ऑनलाइन कराई है, और इसलिए उसमें ऑनलाइन उत्तर पुस्तिका भी दिख जाती है, नंबर भी दिख जाते हैं, पूरी पारदर्शिता है। लेकिन अगर शिकायत आई है तो मैंने विद्यार्थियों को बुलाया, पीईबी के चेयरमैन श्री के सिंह के साथ मीटिंग कराई और उन्होंने जो शिकायतें दर्ज कराई वो उनको दी है और इसकी जांच करने के निर्देश दे दिए, और इसलिए इसकी जांच चल रही है और निष्पक्षता के साथ चल रही जांच। अगर कहीं भी गड़बड़ है तो उस गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो। इस मामले में कांग्रेस को बड़ा मुद्दा मिला, कांग्रेस इसे व्यापम पार्ट 2 बता रही है। व्यापम का इतना बड़ा कांड जो देश में नहीं विदेशों में भी मध्य प्रदेश का मुंह काला हुआ, फिर से व्यापम 2 चालू हो गया। आज आप देखो कि 10 छात्रों की एक जैसी व्यापम के माध्यम से एक जैसे नंबर आए, ये अपने आप में बताता है कि फिर से शिवराज जी आए हैं और व्यापम को धोरा है। देश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और जहां सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं उन पर गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। मध्य प्रदेश के छात्र इस गड़बड़ी को बड़ा धोखा बता रहे हैं। हालांकि क्या सच है और क्या झूठ इसका पता जांच के बाद ही चलेगा। ग्वालियर से विनोद शर्मा और भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ नेशन।